हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि टायर के सेगमेंट में बिलोंग करती है, जो टायर को रिसाइकल करती है और टायर को रिसाइकल करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाती है। तो आज हम बात करेंगे टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। टीना रबर एक ऐसी कंपनी है जो कि 1977 में ये एस्टेब्लिश हुई और ये इंडिया की लार्जेस्ट वेस्ट टायर रिसाइकलर कंपनी है, जो कि 1977 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं वो डॉली खन्ना है। डॉली खन्ना आप जानते हैं बहुत बड़े एक एस इन्वेस्टर हैं और उनके जो पोर्टफोलियो को हर कोई रिव्यू करता है, तो इसमें उनका काफी सारा इसमें योगदान है एज ए इन्वेस्टिंग। तो टीना रबर कंपनी करती क्या है? टीना रबर एक बेसिकली एक कंपनी है जो कि जितना भी एक टायर के सेगमेंट में जितना भी वेस्ट होता है, जो भी गाड़ियां चलती हैं उसमें टायर जो होते हैं उसको वेस्ट जो भी प्रोडक्ट होता है उसको रिसाइकल करती है। कंपनी रिसाइकल करके उसको यूजफुल प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि उसमें यूजफुल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जैसे उसमें से स्टील वायर जो होती है वो अलग निकाल लेती है, उसमें जो रबड़ कंपोनेंट होता है वो अलग निकाल लेती है, और दोनों का ही यूजफुल कंपोनेंट मार्केट में यूज होता है। और कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और कहाँ कहाँ तक इसके बिजनेस ऑपरेशन है विदेशों में। विदेशों की बात की जाए तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप, इन सभी देशों में ये अपना बिजनेस को फैला रखा है और वहां से इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। बहुत सारा टायर जो है उन विदेशों से मिल जाता है और वहां से रॉ मटेरियल ये इंपोर्ट करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इनका काम है। तो मतलब क्या है कि इनका जो टायर का सेगमेंट है, ये टायर में जो रिसाइकल करके बनाते हैं वो क्रम रबर और एक स्टील वायर, दो चीजें बनाते हैं, क्रम रबर एंड स्टील वायर। जो उसमें लोहा का सेगमेंट होता है उसे स्टील वायर बन जाती है और जो रबर होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के वो क्रम रबर बनता है। और जो स्टील वायर होती है उससे ये बीड वायर बनाते हैं जो कि स्टील एब्रेसिव में यूज होती है। और क्रम रबर जो होती है, जो मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रबड़ के, वो भी अलग 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 तरीके के होते हैं, जैसे मैश टाइप 30, 40, 60, 80, 120, 140। और जो मैश टाइप 30 होता है वो रोड बनाने में काम आता है। और रिक्लेम रबड़ जो होता है वो टायर एंड कन्वेयर बेल्ट बनाने में उपयोग होता है। रबड़ मैट मतलब रबड़ की चटाई जो होती है उसको भी बनाने में काम उपयोग में आता है। और रोड बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैश टाइप 30 क्रम रबर की। और वहीं बात की जाए मैश टाइप 40, 60, 80, 120 एंड 140 की, जो कन्वेयर बेल्ट ब्रेक लाइनिंग, यानी कि जो हम रोडों पे जाते हैं तो एक ब्रेकर होता है उसे ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं, और टायर में, तो टायर में इन सबका उपयोग होता है। और बात की जाए इंडिया में कहां कहां तक इस ऑपरेशन फैला हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी का। टीना रबर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है फिलहाल इंडिया में दिल्ली में ही है। दिल्ली में इसका एड्रेस है टीना हाउस नंबर 6 मंडी हाउस, मंडी रोड, सुल्तानपुर, न्यू दिल्ली, दिल्ली 110030। इनका फोन नंबर भी दे रखा है, इनकी एक वेबसाइट है www.tina.in, एक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, इस पर जाके आप देखते हैं। इसमें कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने अभी तक 358,464 टायर को रिसाइकल कर दिया है। और ये एक कंपनी जो इनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, बट इनके जो बिजनेस ऑपरेशन जो इंडिया में होते हैं, जहाँ से ये अपना ऑपरेशन करते हैं, वो है हरियाणा में पानीपत, हिमाचल प्रदेश में कलम, वेस्ट बंगाल में हल्दिया एंड तमिलनाडु में गुमेडी पोंडी एंड महाराष्ट्र में भी इनका ऑपरेशन है, जहाँ पे वड़ा नाम से एक जगह है। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपना प्लांट की लोकेशन है जहाँ से ये इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये बंदरगाह पे ज्यादातर इनके जो वो है, जिनके बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, जितने भी इनके प्लांट है वो बंदरगाहों पे है, ताकि हम विदेशों से आसानी से अपना वो सामान जो रॉ मटेरियल हम इम्पोर्ट कर पाए और उसी बंदरगाहों से हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो इस मतलब से यहाँ पे बंदरगाहों पे इन्होंने वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के वडा में ये प्लांट खोल रखे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है बहुत ज्यादा है, और रोड के जो
दशा है वो तो आप जानते हैं कितनी बदतर है। अभी भी इंडिया में बहुत रूरल डेवलपमेंट होना है और बहुत सारा रोड है जो कि अभी नए नहीं बने हुए और उनको बनाना बहुत जरूरी है। और जो सरकार है इस चीज बहुत ध्यान दे रही है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड जो हैं खासकर रोड को हम महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी गवर्नमेंट में। तो रोड्स की महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है और रोड बनाने में इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। और इंडिया में ये सबसे बड़े रिसाइकलर हैं जो कि वेस्ट टायर को रिसाइकल करते हैं। अगर हम इनकी बात की जाए कंपनी के बिजनेस की और इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं तो जेके टायर, सीएट, अपोलो एंड टीवीएस टायर जैसी रिनाउंड कंपनी जो है इनके इनके क्लाइंट्स है। तो ऐसा भी नहीं कि इनके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और अभी फिलहाल की बात की जाए तो इनका जो आज जो शेयर है 392.75 पे ट्रेड कर रहा है और ये जो आज काफी अच्छा मोमेंटम दिया है 13.20% का अपर मतलब अपर सर्किट मार रखा है एक तरीके से, 13% का ग्रोथ आज दी है। और एक साल की बात की जाए तो 16.5% 16.72% और 5 साल की बात की जाए तो 425% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। 5 साल में 5 गुना पैसा, एक तरीके से 4 गुना 4.25 गुना पैसा, बहुत अच्छा पैसा होता है। और बात की जाए कि इसमें जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या कहते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं screeno.in। तो टीना रबड़ हमने सर्च किया, टीना रबड़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 336 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें अभी बहुत सारा स्कोप बाकी है। डिविडेंड यील्ड 1.01 है और बुक वैल्यू इसकी 98.1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 22.8%, 23.4% इज रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड अगर हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करेंगे तो प्रॉस में इसके हैं जो कि बेहतर ये चीजें होती हैं कंपनी की कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट एंड कंपनी हैव डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.7% ऑफ CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है, गुड क्वार्टर रिजल्ट आने की संभावना है और प्रॉफिट भी अच्छा बन सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। और कॉन्स में क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.88 times एट इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.84% ऑफ द लास्ट 3 ईयर। सो दीज आर द कॉन्स। और अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात की जाए कि इनका फाइनेंशियल्स क्या है, सेल्स की बात करें तो अगर हम 2019 की बात करें सेल्स की तो 33.40 करोड़ जो थी इनकी 2019 में सेल्स थी तो 33.40 से 26, 16 करोड़, 30 करोड़, 37 करोड़, 44 करोड़, 48 करोड़। तो अभी लास्ट दिसंबर 2022 में 75.20 करोड़ इनकी सेल्स है, सॉरी नेट प्रॉफिट है 4.70 करोड़। 4.70 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट है पिछले साल का दिसंबर 2022 का, तो कि बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट है। देखिए अभी छोटी कंपनी है, अभी इसमें ग्रोथ काफी बनी हुई है और ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बना के देगी। बट इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लीजिए, दिस इज वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज एंड देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अभी कंक्लूजन की बात की जाए तो ये हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये कंपनी जो है काफी एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें काफी पोटेंशियल बाकी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन लॉन्ग ओवर द टाइम इसमें काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू। थैंक यू, बाय बाय।